सुजान आप लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो आज आपका भाई देख सकते कुछ इस टाइप से आप लोगों को फोटो एडिटिंग करके दिखाएगा। इस टाइप से देख सकते कितना हार्ड एंड HDR फेस को स्मूथ किया हूँ, एंड बैकग्राउंड से लेकर के एंड कपड़ा से लेकर के सब कुछ कितना अच्छे तरीके से मैचिंग कराया हूँ। और इस वीडियो में जो है कि आप लोग को पूरा रियल प्रूफ देखने को मिलेगा कि पूरा A to Z कपड़ा मैचिंग एंड बैकग्राउंड एंड आप लोग का जो भी हेयर होगा, ऑयल पेंट एंड कपड़ा होगा, ठीक है ना, हर एक चीज़ एंड PNG कैसे सेट करें, हर एक चीज़ जो है कि आप लोग को अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो जो है कि बस आप लोग को क्या करना होगा ना, बिना स्किप के वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। तो जो है कि आप लोग इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे 110%। अगर आप लोग, देखिए पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग इस टाइप से फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा फोटो एडिटिंग करना सीख जाते हैं तो अपने भाई के चलो सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज मजाक नहीं, आज सीरियसली बात करेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर ना होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता है। तो देखिए यही इसका ओरिजिनल पिक है और ये देख सकते हैं एडिटिंग पिक है। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इस पिक को आप लोग क्या करेंगे ना, जो ओरिजिनल पिक होगा इसको शेयर पर क्लिक करेंगे, एंड शेयर पर क्लिक करेंगे जो कि स्नैपसीड एप्लीकेशन में लेकर आएंगे। और स्नैपसीड एप्लीकेशन में आने के बाद देखिए ये काम आप लोग को हम जरूर करने के लिए हमेशा बोलते हैं, इसलिए कि आपका फोटो में क्वालिटी कम ना हो, ठीक है ना। यहाँ से टूल्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप लोग डिटेल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से शार्पनिंग को आप लोग कर रख लेंगे 50, ठीक है, 50 रख लेंगे, ठीक है ना। आपके फोटो में बहुत ज़्यादा HD आ जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा HD हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से सिंपली आप लोग क्या करना है ना, एक्सपोर्ट कर लेना है गैलरी में, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाइट रूम अप्लीकेशन में शेयर करके और एडिट इन LR कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली ये होता है कि आपका LR भी ओपन हो जाता है, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए सिंपली आपका LR ओपन हो गया, बट यहाँ पे आप लोग क्या करना है, बैक आना है, ठीक है। एंड आप लोग को एक प्रीसेट मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर 110%, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर प्रीसेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके और यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेंगे, ठीक है, राइट करेंगे, बैक आएंगे, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पर अपना जो भी ओरिजिनल पीक होगा एंड उस पीक को लेकर के यहां से पेस्ट सेटिंग कर देंगे, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो कितना आसान तरीके से मैं बता रहा हूं और बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो यहां तक तो एकदम इजी आप लोग कर लोगे, ठीक है। फिर यहां से आप लोग दोबारा क्या करना, एक्सपोर्ट टू गैलरी कर लेना, ठीक है। एंड देन एक्सपोर्ट टू गैलरी करने के बाद आगे का सीन आप लोग को हम बताते हैं। तो सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि अपना फोटो गैलरी में सेव हो चुका है, ठीक है। अब जो है कि आप लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से बैकग्राउंड पे वर्क करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से शेयर पे क्लिक करके अपना फोटो जो है कि फोटो रूम में लेकर चलेंगे एंड यहाँ पे सिंपली जो है कि बैकग्राउंड को कट करके अपने फोटो को अच्छे तरीके से एडिटिंग कर लेंगे, ठीक है ना, बैकग्राउंड को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से शेयर करेगा एंड यहाँ से सर्च करने के बाद यहाँ से जो है कि आपको फोटो बैकग्राउंड एंड मॉडल अलग अलग एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा ऐप एप्लीकेशन है, तो ये प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा फोटो रूम, ठीक है। तो यहाँ ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली आप लोग क्या करना है ना, यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली यहाँ से डिस्क वाला ऑप्शन ले लेना, ठीक है ना। डिस्क वाला ऑप्शन लेने के बाद आप लोग क्या करें, ब्लर को आप लोग 100 रख लेंगे, ठीक है। सिंपली इतना काम करने के बाद आप लोग डन करेंगे और बैकग्राउंड पे क्लिक करके और एडजस्ट पे क्लिक करके थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सैचुरेशन को बढ़ा करके, लो लाइट को कम करके, हाई लाइट को कम करके, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना काम होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, शेयर पर क्लिक करके और अपना फोटो एक बार फिर से गैलरी में सेव करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका फोटो जो है कि गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। और मेरा कहना यह है ना कि आप लोग हर जगह से अपना फोटो पहले गैलरी में सेव कीजिए, इसलिए कि आपको फोटो में क्वालिटी कम ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, सिंपली इतना काम होने के बाद आप लोग क्या करेंगे ना, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे वर्क करेंगे एंड कपड़े पे वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से शेयर पे क्लिक करके और आप लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से अपना फोटो लेकर के चलेंगे यहाँ से पिकआर्ट एप्लीकेशन में, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही छोटा ट्यूटोरियल होने वाला है, तो बस आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, 110% मेरे जैसा फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए आपका फोटो पिकआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली आप लोग इफेक्ट पे क्लिक करके एंड जो है कि कलर पे क्लिक करके एंड जो है कि अपना जो भी कपड़ा होगा ना उस कपड़े पर लगा करके जो कलर आप देना चाहते हैं कपड़े को वो कलर दे सकते हो, ठीक है। सिंपली देखिए मेरा कपड़ा भी चेंज हो गया एंड राइट क्लिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए मेरा कपड़ा बैकग्राउंड कलर हो गया ना। सिंपली अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ से एक PNG जो है कि गैलरी से ऐड करना है, ऐड फोटो पर क्लिक करके चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं।
तो आप सब देख सकते हो एक PNG ऐड कर चुका हूँ। तो सिंपली इसको ब्लेंड मोड पे क्लिक करके स्क्रीन कर लेंगे एंड देन ऊपर के साइड एंड आपके फोटो में जहाँ भी इच्छा वहाँ आप रख सकते हो, ठीक है, बीचों बीच, ठीक है ना। एंड देन इतना काम होने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली स्टिकर पे क्लिक करना है, बूके इफेक्ट लिखकर सर्च करना है। देखिए इतना आप लोग को बूके इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड आप लोग क्या करना है, इस वाले बूके इफेक्ट को ऐड कर लेना है। सिंपली ऐड करने के बाद इसको बड़ा करना है, ठीक है, इस टाइप से बड़ा कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद से स्क्रीन कर लेना है आप लोगों, ठीक है ना। स्क्रीन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे ना, इरेजर बटन पर क्लिक करके और सिंपली ब्रश के साइज को बड़ा करके हार्डनेस कम करके और अपने फेस और अपने कपड़े पर से इरेज कर लेंगे। जहाँ जहाँ आप लोगों को बेकार लगे ना, वहाँ वहाँ से सिंपली आप लोगों को इरेज कर लेना, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों। एंड देन इरेज करना अच्छे तरीके से और अच्छा तरीके से देखना आप लोगों को कि क्या मैचिंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। एंड देन आप लोग क्या करें, थोड़ा सा ऑपेसिटी को यहाँ से कम कर लेंगे, ठीक है, कि अच्छा लगे। देखिए आपके फोटो में चार चांद लग गया, ठीक है ना। अब बचा स्मूथ करना, ठीक है ना। तो सिंपली अपने फोटो को यहाँ से गैलरी में सेव करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना काम होने के बाद आपको फोटो गैलरी में सेव होने के बाद आपके फोटो में थोड़ा सा एक कमी आ गया है। क्या कमी आ गया है, क्वालिटी कम हो गया है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना होगा ना, मैं डेली बताता हूँ, रेबनी का यूज आप लोग को बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे ना, इसको जो है कि शेयर पर क्लिक करके और फटाफट से आप लोग रेबनी कर लेंगे। तो चलिए आप लोग का रेबनी का दिखा करके आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ईजी होता है, आप लोग रेबनी का यूज कर लेते हो। एंड देन नहीं कर पाते होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग उस पर भी वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से रेमनी करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी देख सकते हो कि रेमनी का यूज के बाद काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी एंड शार्पनेस एंड टेक्चर के साथ जो है कि मेरा फोटो गैलरी में सेव हो चुका है। अब जो है कि करना है स्मूथ, ठीक है, जो है कि वो भी स्मूथ बहुत हल्का ईजी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, शेयर पर क्लिक करके और अपना फोटो लेकर चलेंगे सिंपली स्केच बुक अप्लीकेशन में। और आप लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से जो है कि आप लोग को मैं बताऊँगा ये अच्छा अच्छा वाला ब्रश जो होता है ना, ये कौन ब्रश होता है। एंड जो है कि आप लोग क्या करना, पहले वाला लेयर को जो है कि सिंपली डिलीट कर लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आप लोगों का फोटो जो है कि ऐड हो चुका है, ठीक है। अब सिंपली आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों एंड मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से सिंपली आप लोग लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। एंड लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे के साइड आएंगे, नीचे के साइड आएंगे एंड आप लोग सिंथेटिक पेंट पे देखिए, आप लोग को एक बहुत ही तगड़ा ब्रश होता है, आप लोग को पता होगा, मैं बताया हूँ कई बार। सिंपली इस ब्रश को सेलेक्ट करके और देखिए आप लोग को इसका जो कि 5 और 8 रख लेंगे, इतना इतना सिंपली। एंड इतना रखने के बाद आप लोग क्या करेंगे ना, अपने फोटो को जूम करेंगे, ठीक है। एंड सिंपली जूम करने के बाद आप लोग देखिएगा यहाँ से ब्रश को कितने अच्छे तरीके से मैं चला रहा हूँ एंड बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कि आप लोग का स्मूथ होगा, ठीक है। सिंपली आप लोग को हल्के हाथों से जो है कि ब्रश को चलाना रहता है, ज़्यादा दबाइएगा नहीं और ज़्यादा इधर उधर नहीं चलाइएगा, जहाँ तक आपका स्किन होगा वहीं तक जो है कि ब्रश को ले जाने की कोशिश कीजिए और जहाँ पर जगह छोटा हो वहाँ पर छोटा ब्रश कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छे तरीके से जो है कि मैं स्मूथ कर रहा हूँ, तो कुछ इसी टाइप से जो है कि आप लोग को करना है स्मूथ, ठीक है। एंड जो भी आप लोग को स्मूथनेस से प्रॉब्लम होता है, सिर्फ 1 क्लिक में भी आप लोग को स्मूथने के लेकर आया हूँ, तो जाकर के आप लोग वेबसाइट से भी 1 क्लिक में स्मूथ कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यही तरीका रहता है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से जो है कि आप लोग स्मूथ कर लेंगे एंड जो कि आप लोग का फोटो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है, कुछ इस टाइप से आप लोग जहाँ तहाँ चला लेंगे एंड आप लोग का फोटो बहुत ही हार्ड बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत ईजी ट्यूटोरियल है। सिंपली अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका आप लोग बताएं, जेन्युइन तरीका, एकदम रियल ट्रिक है। अगर आप लोग को ये फेक तरीका लगता होगा ना, तो अपने भाई को चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोग को रियल लगे ना, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से जो है कि आप लोग को स्मूथ कर लेना है एंड हाथ भी आप लोग को स्मूथ कर लेना, ठीक है। तो चलिए अगर आप लोग का फोटो स्मूथ हो गया होगा, तो चलिए मिलते हैं किसी अगर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।